ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. एक महत्वाची बातमी आहे. ईडीचं नवं मुख्यालय हे नवी दिल्लीमध्ये तयार होणार आहे. ईडीच्या मुख्यालयाचं उद्घाटन 14 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार आहे. ईडीची सध्या दिल्लीमध्ये 3 विविध कार्यालयं आहेत आणि ही तीनही कार्यालयं आता एकाच इमारतीमध्ये येणार आहेत. ईडीचं नवं मुख्यालय हे दिल्लीमध्ये तयार होत आहे, ज्याचं उद्घाटन 14 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. ईडीची दिल्लीमध्ये 3 कार्यालयं आहेत, मात्र ती वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत आणि आता तीनही कार्यालयं एकाच इमारतीमध्ये येणार आहेत. त्याच मुख्यालयाचं उद्घाटन 14 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. हीच ती इमारत आहे जिथे ईडीचं नवं मुख्यालय तयार होत आहे. त्याची ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य News18 लोकमतवर. 14 जनवरी को ईडी के नए मुख्यालय का शुभारंभ होना है और इस वक्त मैं इस बिल्डिंग के ठीक अंदर में हूँ. आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी है. ये बिल्डिंग जो है जनपथ मार्ग और होटल ताजमान सिंह जो है उसके ठीक सामने विद्युत भवन के अंदर बनी है और ये काफ़ी बड़े स्पेस में यह बना है. यहाँ पर अगर देखा जाए, इस पूरे बिल्डिंग को देखा जाए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है. आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं. इसके साथ साथ इस भवन में जो कहा जा सकता है 4 लॉकअप भी हैं जिसमें कि कैदियों को रखा जा सकता है. और जिस तरह से देखा जाए तो अभी ईडी का जो मौजूदा जो हेडक्वार्टर है वो खान मार्केट में स्थित लोकनायक भवन में स्थित है, लेकिन वहाँ पर उस बिल्डिंग में कई तरह की दिक्कतें आ रही थी. लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए नए बिल्डिंग की के लिए 3 साल पहले बातचीत की गई थी. उसके बाद मसौदा पास हुआ रेवेन्यू मंत्रालय से, उसके बाद वो उसको पास किया गया और उसके बाद नए बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ हो गया. लेकिन 2 साल के दौरान जो कोरोना काल के अंतर्गत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के चलते ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार है. और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं इस बिल्डिंग के उद्घाटन करने के लिए, तो देखना लाजमी होगा किस तरह से यहाँ पर ईडी का मुख्यालय बनेगा और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद होगी. यहाँ पर अगर कहा जाए कि देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी में ईडी को जो गिना जाता है, लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी. इसके साथ साथ जो जांच एजेंसी जो हैं किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं ईडी मुख्यालय में की जाती हैं. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी मुख्यालय का ये जो स्पेस है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है. कार्तिक के साथ शंकर आनंद, News18 दिल्ली. आणि बातमीसोबतच मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये आता पण इथेच थांबतोय. सगळ्या ताज्या बातम्यांसाठी News18 लोकमतच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणखी एक महत्वाची गोष्ट जाता जाता, ती म्हणजे घराबाहेर पडताना मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्स पाळा, सॅनिटायझर सोबत ठेवा आणि सरकारनंच घालून दिलेले सगळे नियम पाळा आणि सुरक्षित राहा.